यस स्टूडेंट्स, प्लीज़ कंटिन्यू करें हम लोग उसी टॉपिक को, वीडियो को, कि ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्सटर्नलिटीज़ जिसकी वजह से सेकंड पार्टी की वजह से बेनिफिट या हार्म होते हैं, और उसके लिए उसको पेड या पेनलाइज नहीं किया जाता। उसमें दीज आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी मीन्स विच रिजल्ट इन बेनिफिट टू अदर्स आर टर्म्ड एज पॉजिटिव, एंड नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज विच रिजल्ट इन हार्म टू अदर्स आर टर्म्ड एज नेगेटिव एक्सटर्नलिटी, जिसकी वजह से किसी को बेनिफिट और पॉजिटिव, एंड किसी अगर दूसरों को हार्म करे तो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी। अब इसका जीडीपी से क्या लिंक है, उसका मीनिंग ये हुआ, अगर मान लो कोई प्लांट या फैक्ट्री लगाई गई और उसकी वजह से आउटपुट इंक्रीज हुआ तो नेचुरली जीडीपी इंक्रीज होगा उस कंट्री का, बट उसने एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कर दिया, एनवायरमेंटल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा कर दिया, तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन कितने अमाउंट का वो तो कंसीडर नहीं करते। सिर्फ हमने क्या कंसीडर किया कि आउटपुट कितना हुआ है। जीडीपी तो इंक्रीज हो गया, बट उतने ही कितने अमाउंट का हेल्थ डिग्रेड हुई लोगों की, कितने अमाउंट से एनवायरमेंटल डिग्रेड हुआ वो हम लोग काउंट नहीं करते। तो इसलिए ये कह नहीं सकते कि इफ़ जीडीपी इंक्रीजेज वेलफेयर विल ऑल्सो बी इंक्रीज विल ऑल्सो इंक्रीज। तो ये है इसका एक पॉइंट है। नेक्स्ट है हमारा रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हम लोग ये देख रहे हैं, अगर मान लो नेशनल कम जीडीपी इंक्रीज हो रहा है बट पॉपुलेशन उससे भी ज़्यादा रेट से इंक्रीज हो गई है, पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा है, तो नेचुरली दैट विल डिक्रीज द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच विल एडवर्सली इफेक्ट द इकोनॉमिक वेलफेयर। मीनिंग क्या हुआ, अगर जिस रेट से जीडीपी इंक्रीज होता है उससे भी ज़्यादा रेट से पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्रीज हो गई तो क्या होगा कि जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है वो कम हो जाएगी, और ये तो वेलफेयर इंक्रीज करने की बजाय डिक्रीज करते एडवर्सली इफेक्ट करेगा इकोनॉमिक वेलफेयर को। फिर आता है एक लास्ट पॉइंट, एक लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये पॉइंट अगर आप देखेंगे तो इस पॉइंट पर अगर हम लोग देखते हैं तो क्या है कि लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर जीडीपी डजंट कंसिडर द लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। ये नहीं देखता कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, जीडीपी है, हम लोग सिर्फ डाटा कंसिडर करते हैं। तो अगर किसी कंट्री के अंदर जीडीपी इंक्रीज है ड्यू टू सम पीपल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो रिसोर्सेज वो फ्यू हैंड्स में है और बाकी लोग अनएम्प्लॉयड हैं, तो उसमें क्या होगा कि जो पीपल कैन नॉट सेट टू बी इन्जॉइंग हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इफ़ द अनएम्प्लॉयमेंट इज़ हाई, बिकॉज कुछ लोगों के फ्यू लोगों पर्सनस के हैंड में ही क्या है रिसोर्सेज हैं, तो क्या होगा काफ़ी लोग अनएम्प्लॉयड हैं, जीडीपी तो इंक्रीज है उस कंट्री का बट क्या हो रखा है कि वेलफेयर नहीं होगा, क्यों, बाकी काफ़ी लोग उसके अंदर अनएम्प्लॉयड हैं। तो इसलिए क्या कहेंगे हम लोग, इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द पीपल विल रिमेन लो अनलेस अनएम्प्लॉयमेंट इज रिम्यूड। जब तक हम लोग उसको रिमूव नहीं कर देते अनएम्प्लॉयमेंट को, तब तक वेलबींग लोगों का नहीं होगा, यानी इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं होगा। तो ये दीज आर द सिक्स पॉइंट्स जो आपने करने हैं, इसको मैं एक साथ दिखा देता हूँ अभी सब पॉइंट्स को, थोड़ा फॉन्ट अपने स्मॉल करना रहेगा। यहाँ से देखें एक साथ सिक्स पॉइंट्स को, मैं थोड़ा सा और स्मॉल कर देता हूँ इसको। देख पा रहे हैं अब ये कुछ ज़्यादा ही फोन छोटा हो गया, कोई बात नहीं, सिर्फ ये आप लोगों को दिखाने के पर्पज से, ठीक है। मैं इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका, कोई बात नहीं, अब हम लोग इसको कंप्लीट पढ़ लेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसका, एक कॉन्सेप्ट है ग्रीन जीएनपी। ग्रीन जीएनपी मींस क्या, आजकल ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो गया है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि एनवायरमेंटल डिग्रेड हो रहा है डे बाई डे ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजीज। समटाइम्स न्यू टेक्नोलॉजी इन द सेंस कि जैसे नए इंडस्ट्रियल प्लांट्स आ रहे हैं, तो उसकी वजह से धीरे धीरे क्या हो रहा है कि पहले क्या होता था, जब इन्वायरमेंटल डिग्रेड का मीन्स जब बहुत पॉपुलेशन नहीं थी, बिगनिंग था 1700-1800 का ईयर था, जब इस तरह का इंडस्ट्रीज़ ही नहीं थी तो पॉल्यूशन भी नहीं था, बट जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ बढ़ी है व्हीकलर पॉल्यूशन जो है वो बढ़ा है, तो इन्वायरमेंटल डिग्रेड हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करते जा रहे हैं, एक्सप्लोइट करते जा रहे हैं, तो इसलिए आज कॉन्सेप्ट आ गया ग्रीन जीएनपी। ग्रीन जीएनपी मीन्स व्हाट, इट मेजर नेशनल इनकम और आउटपुट एडजस्टेड फॉर द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट। मीनिंग क्या हुआ कि जो नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लेट होते हैं और डिग्रेड होते हैं
हमने ऐसे ढंग से एडजस्ट करना कि जो आने वाली पॉपुलेशन है, आने वाली जो जनरेशन है, वो भी एटलीस्ट वो लेवल ऑफ इन्जॉय कर सके, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो हम एटलीस्ट हम लोग इन्जॉय करें. ऐसा नहीं हो कि हम लोग अभी सब रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ कर लें और आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए हम लोग एनवायरनमेंट को इतना डिग्रेड कर दें या नेचुरल रिसोर्सेज को इतना डिप्लेट कर दें कि उनके पास कुछ ना हो. यानी आप सिर्फ GNP इंक्रीज होना इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लेट ना करें, इन्वायरमेंट को डिग्रेड ना करें. यानी एट द कॉस्ट ऑफ एन्वायरमेंट डिग्रेडेशन और डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज आउटपुट इंक्रीज नहीं हो. तो सेंस क्या हुआ यहाँ, ग्रीन GNP मीन्स वी शुड इंक्रीज नेशनल इनकम और आउटपुट बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एन्वायरमेंट. वी शुड कीप द एन्वायरमेंट सेफ, रिसोर्सेज डिप्लेट नहीं होने चाहिए. तो यहाँ क्या है, ग्रीन GNP मीन्स इट मेजर्स नेशनल इनकम और आउटपुट एडजस्टेड फॉर द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरनमेंट. इट विल हेल्प टू अटेन ए सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट्स. मीन्स क्या, जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उसका बेनिफिट्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए और सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, जो आजकल एक बहुत बड़ा कंसेप्ट बना हुआ है. क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड रिसोर्सेज को ड्रास्टिकली यूज किया गया कम टाइम के अंदर, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी नेचुरल रिसोर्सेज को यूज किया गया, डिस्ट्रॉय तो नहीं कह सकते बट यूज़ काफ़ी किया गया. क्योंकि जैसे जैसे रिसोर्सेज बढ़े वैसे वैसे नेचुरल रिसोर्सेज को की जगह हमने, जैसे अगर हम देखेंगे तो बहुत सी पॉपुलेशन जैसे ही बढ़ी है तो उसको लिविंग्स के लिए, फैक्ट्रीज को सेटअप करने के लिए रोड्स, डैम्स, फ्लाई ओवर्स एंड ऑल ये सब बनाए. तो नेचुरली क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज की कॉस्ट पे ही हमने ये बनाए हैं. तो इसलिए आज ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ग्रीन GNP कि जिसके अंदर रिसोर्सेज जो हैं वो ऑप्टिमली यूज़ हों और नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लेट ना करें, एनवायरनमेंट को डिग्रेड ना करें. यानी जब GNP की हम लोग वैल्यू काउंट करते हैं तो उसमें ये देख लें कि कितने नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लेट हों, उसकी वैल्यू को काउंट कर लें हम लोग. ये ना हो कि जैसे हम लोगों ने सिर्फ GNP बढ़ा दिया और नेचुरल रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर दिया या हमने एनवायरनमेंट को डिग्रेड कर दिया. तो ये इसका मेन पॉइंट है. और इसी लेक्चर के साथ आपका ये चैप्टर नंबर 4 फिनिश कंप्लीट हो जाता है. एंड फिर हम लोग अब वन बाय वन टेस्ट करेंगे और ये आपको वो भेज दिया जाएगा, असाइनमेंट आपको भेज दिया ऑलरेडी. और इसके लिए फिर आपको टेस्ट सीरीज चैप्टर वाइज हम लोग करेंगे. उसके लिए मैं डेट आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दूँगा. थैंक यू.